प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा हाईकोर्ट से पटवारी भर्ती में मिली क्लीन चिट को लेकर ज्यादा खुशी न मनाए, क्योंकि कांग्रेस सरकारों के समय में भी हाईकोर्ट से कई मामलों पर क्लीन चिटें मिली हैं, लेकिन इसमें कोविड-19 में हुए भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश का नाम पूरे देश में बदनाम हुआ है, जिसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। इंद्रदत्त लखनपाल ने स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की जांच करने की मांग करने के साथ संलिप्त लोगों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना संकट में लोक निर्माण विभाग, जल विभाग और आयुर्वेदा विभाग बंदर बांट का काम कर रहे हैं और कोरोना काल में आम जनता का ध्यान बीमारी से बचाने के लिए है, ऐसे में प्रदेश सरकार घोटालों में मस्त है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपना दायित्व निभा रही है कांग्रेस पार्टी, और जैसा कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाला हुआ है और उसको जनता के सामने उठाने के लिए जहां मीडिया ने भी काफ़ी प्रमुखता से इसको उठाया है, सोशल मीडिया ने भी उठाया है और प्रिंट मीडिया ने भी उठाया है, तो इसमें कांग्रेस पार्टी ने जो उनका दायित्व बनता है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि जनता से जुड़ी हुई पार्टी है और जो समझ में आता है कि आज प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसमें बहुत अनियमितताएँ पाई जा रही हैं। ये तो स्वास्थ्य विभाग का घोटाला तो है ही है, पीपी किट का भी है और सैनिटाइजर का भी है, अन्य सामान का भी है, लेकिन जहां अन्य विभाग हैं वो भी अछूते नहीं है, चाहे वो लोक निर्माण विभाग है, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे आयुर्वेदा विभाग है, सभी विभाग जो हैं इस वक्त बंदर बांट में लगे हुए हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते आम जनता का ध्यान जो है केवल अपने को बचाने में है। और मोदी जी ने तो कह ही दिया है कि कोरोना से लड़ना ही होगा और खुद ही बचना होगा, क्योंकि सरकार ने जो है छोड़ दिए, हाथ खड़े कर दिए कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जनता ही जो कर सकती है वही करेंगे। लखनपाल ने कहा कि कोरोना बीमारी के दौरान कोरोना टेस्टों की रिपोर्ट पर शंका के दायरे में है, क्योंकि सरकार इस चीज को हल्के में ले रही है और अगर कोई बात लीक हो रही है तो उसे दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है और इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस प्रकार से बातें छन कर आ रही है कि कहीं पर टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, कहीं पर नेगेटिव आ रहे हैं, ये भी एक अपने आप में बहुत गंभीर और चिंता का विषय है कि जिस जो जो मरीज है वो एक तो अपनी जान से वैसे परेशान है, वो सुन के परेशान है, और जब इस प्रकार के टेस्ट होते हैं तो मानसिक रूप से वो और परेशान होकर, वो अगर पॉजिटिव नहीं भी है तो फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो सरकार इसको बहुत हल्के से ले रही है और यदि कोई बात ऐसी कहीं से लीक हो जा रही है तो उसको दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री का ये कहना कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है तो ये सरासर गलत है। हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और जनता की बात रख रहे हैं, और जहां तक सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात है, इसकी मांग तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रंगती है, वो सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, जबकि हम ये बोलते हैं अगर आपने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलानी, कोई बुद्धिजीवी वर्ग को भी बुला लो, पता तो लगे कि सरकार कुछ गंभीर है इसके बारे में। सरकार को तो पता ही नहीं लग रहा कि लड़ाई लड़नी कैसे है और किससे लड़नी है, जो उनको धरातल की जो समस्याएं हैं, आम जनता की जो समस्याएं हैं उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ऑफिसर्स जो हैं वो अपना केवल मात्र एक एक्सरसाइज झाड़ रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। जो काम सरलीकरण तरीके से होना चाहिए, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, जो मरीज बाहर से आ रहे हैं लोग, ये काउंसलिंग करने के बजाय उनको डराते हैं लोगों को। प्रदेश सरकार के द्वारा सर्वदलीय बैठक न किए जाने पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि विपक्ष सरकार का पूरा साथ दे रही है और अपनी सैलरी तक कटवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि कांग्रेस कोरोना में राजनीति नहीं कर रही है और सर्वदलीय बैठक की मांग विपक्ष काफी समय से कर रहा है, लेकिन सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, जो कि गलत है। अपने ऐसे आराम के लिए इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, आपने बोर्ड के चेयरमैन नहीं हटाए, आपने भारी भरकम जो विभागों की गाड़ियां चला रखी हैं उनको ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया, इनके मंत्री जहां भी जाते हैं 5-5 गाड़ियां लेके चले हुए हैं, कोई कहीं ना कहीं तो सरकार जो है वो गंभीर कहीं नज़र नहीं आ रही है। किसी भी इशू को उठाना विपक्ष का दायित्व होता है, जब हम लोग सत्ता में थे तो इनके लोग भी बहुत इशू थे वो उठाते थे, और कई मामलों में उस समय न्यायालय से हमें भी न्याय मिला। अगर पटवारी भर्ती में
न्यायालय ने कोई अपना निर्णय दिया है तो उसका हम स्वागत करते हैं। और मुख्यमंत्री महोदय को इतना खुश नहीं होना चाहिए, उनको तो धरातल में जाकर देखना चाहिए कि हो क्या रहा है मेरे प्रदेश में। उनके पास जिम्मेवारी है पूरे प्रदेश की जनता को देखना। कांग्रेस पार्टी कोई भी बयान करती है वो राजनीति के आधार पर उसको लेते हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करती है और कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ उठा रही है, और जनता की आवाज़ में कोई आपको कमी लगती है तो वो हमसे बात करें, बैठकर चर्चा हो सकती है, लेकिन वो करना नहीं चाहते। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार, प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा भी मौजूद रहे।